भाई फाइनली इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे यामा की ओर से बहुत सारा बाइक लॉन्च होने की बात चल रहा है। इनमें से बहुत सारा बाइक अभी कंफर्म हो चुका है एंड बहुत सारा बाइक अभी अपकमिंग पर है, क्योंकि इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे ना बजाज का सेल बहुत ही ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू यामाहा। यामा का जो भी बाइक से इसका सेल डाउन हो चुका है, इवन MT-15 का भी सेल बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है N160 लॉन्च होने के बाद। इसलिए अब यामाहा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत सारा बाइक को लॉन्च करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप अगर कोई बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का इस लिस्ट की नंबर 1 पर आता है यामा के एक बेस्ट प्रोडक्ट M+। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे MT-15 की जो ऑन रोड प्राइस है 2,15,000। बहुत सारे लोग ना अभी इतना ज्यादा प्राइस देके एक 160 सेगमेंट का बाइक को परचेस नहीं करना चाहते, जिसके कारण NS200 N250 की ओर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण भाई यामा अब इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको एक 150 सेगमेंट का बाइक देगा, जो कि है यामाहा M+। एंड ये बाइक जो है इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा 1,60,000 के अंदर। अब स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 149 सीसी का एक इंजन मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का ही इंजन रहेगा। पावर आपको यहाँ पर 16.9 BHP मतलब लगभग 17 BHP तक पावर आपको देखने को मिल जाएगा एंड 14.3 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इस बाइक के अंदर भी आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलेगा, बट ये जो बाइक है ना लिक्विड कूलिंग के ऊपर बेस्ड नहीं रहेगा, ये आपको ऑयल कूल देखने को मिल जाएगा। और बात किया जाए अदर्स फीचर्स के बारे में, सो इस बाइक की फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर भी USD सस्पेंशन मिलेगा। रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन एंड इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन होगा एंड ये बाइक जो है डायरेक्ट कम्पीट करेगा N160 जैसे बाइक के साथ। अब बात किया जाए मीटर कंसोल के बारे में, सो यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जहाँ पर ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन रहेगा एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड टर्न कट ऑफ सेंसर जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाइक के अंदर आपको माइलेज की अगर बात किया जाए तो लगभग 50 से लेके 55 km तक माइलेज भी मिलेगा, बट जो टॉप स्पीड रहेगा वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, 125 km/h की टॉप स्पीड हो सकता है। बट ये जो बाइक है ये कंफर्म है यामा की ओर से इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा। ऑफिशियली अभी तक कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट 2025 के अंदर ही ये जो बाइक है आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है यामा का बेस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे R15 V4 की जो प्राइस है ना, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग बाइक को परचेस नहीं कर पाता है, बट उनका ड्रीम रहता है कि R15 V4 को परचेस किया जाए। इसी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए यामाहा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे काफी कम प्राइसेस के अंदर आपको एक 125 सेगमेंट का स्पोर्ट्स बाइक ऑफर करने जा रहा है, जो कि है यामाहा YZF R125। एंड फाइनली ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च होने की बात चल रहा है, जो कि आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। कोई भी ऑफिशियली डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये 2025 में देखने को आपको मिल सकता है। अब बात किया जाए इस बाइक की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में, सो ये जो बाइक है आपको फुल्ली स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर देखने को मिलेगा। R15 V4 की जो लुक से डिटो सेम आपको 125 सेगमेंट के अंदर दिया जाएगा। यहां पर आपको 125 सीसी के साथ 15 bhp का पावर, 11.5 Nm का टॉर्क भी दिया जाएगा, जिससे ये जो बाइक है ना 130 km/h के टॉप स्पीड अचीव कर लेगा। और इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन रहेगा, जहां पर लिक्विड कूलिंग के साथ 6-speed गियरबॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। इसी बाइक की फ्रंट पर USD सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी आपको ऑफर किया जाएगा। इवन इसी बाइक की जो टायर साइज है काफी फैट दिया जाएगा, रियर पर आपको 140/70 का टायर, फ्रंट पर आपको 110/70 सेक्शन का टायर, और ये ड्यूअल चैनल ABS के साथ ही ऑफर किया जाएगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे। अब बात किया जाए प्राइसेस के बारे में, सो इतना सारा स्पेसिफिकेशन एक 125 सेगमेंट के अंदर दिया जा रहा है, सो इसका जो ऑन रोड प्राइस रह सकता है वो है 1,70,000 के आसपास। अब बात किया जाए मीटर कंसोल के बारे में, सो यहां पर भी आपको सेम फीचर्स दिया जाएगा R15 V4 की तरह, ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन, गियर पोजीशन, साइड टर्न कट ऑफ सेंसर और जो भी बेसिक फीचर्स होता है हर एक चीज आपको दिया जाएगा। USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन इस बाइक के अंदर रहेगा दोस्तों। सो आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना आप इस बाइक को क्या 2025 में लेना चाहते हो या फिर नहीं। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे ना एक ऐसा बाइक है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने से पहले बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यामाहा का XSR 155 सीसी वाला बाइक
फिलहाल ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट बांग्लादेश मार्केट पे, इंडोनेशियन मार्केट पे ये जो बाइक है ना बहुत ही ज्यादा फेमस है। इवन टाइम टू टाइम अपडेट आता है, कलर वाइज चेंज होता है, अपग्रेडेशन होता है। सिर्फ इंडिया में ही इस बाइक को लॉन्च नहीं किया जा रहा अभी के लिए, बट आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूज लेके आया हूँ। तो यामा की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इंडिया में ना, वहां पर एक थीम सॉन्ग निकल कर आया है कॉल ऑफ द ब्लू करके, जहां पर इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे यामा का जो जो बाइक अवेलेबल है एंड जो बाइक अपकमिंग पर है, सारा बाइक को इंक्लूड करके एक थीम सॉन्ग आया है, जहां पर यामाहा XSR 155 सीसी वाला बाइक भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यामाहा यहां पर एक हिंट्स दे रहा है कि बहुत ही जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे XSR 155 सीसी को लॉन्च किया जाएगा। एंड कुछ वेबसाइट ने कंफर्म किया है कि 2024 में दिसंबर के महीने के बीच में आपको यह बाइक मिल जाएगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे जब यह लॉन्च होगा तो इस पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है, बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या होगा एंड आपको कितना टॉप स्पीड एंड माइलेज मिलने वाला है। अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च होगा ना, तब भाई टीवीएस रॉनिन एंड रॉयल एनफील्ड 350 हंटर जैसे बाइक के साथ इस बाइक का तो बहुत ही अच्छे से कम्पीट होने वाला है, क्योंकि तीनों बाइक रेट्रो कैटेगरी के अंदर आता है एंड यामा का ये फर्स्ट रेट्रो होगा जो कि इन दोनों बाइक से कम्पीट करेगा। सो इस बाइक के अंदर आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 बल्ब का इंजन मिलेगा जो कि 155 सीसी वाला इंजन है। पावर की अगर बात किया जाए तो 19.3 bhp की पावर यानी कि लगभग 20 bhp तक आपको पावर मिल सकता है एंड टॉर्क आपको यहाँ पर 15 nm का देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको SOHC इंजन मिलेगा, 4 वाल्व की इंजन है, जहाँ पर 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन आएगा, यानी कि MT15 पर जो इंजन आता है उससे भी रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह बाइक बिल्कुल एक रेट्रो कैटेगरी के अंदर होने वाला है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में। सो इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल डिस्प्ले के साथ ड्यूल चैनल ABS भी होगा कि मीटर कंसोल, सो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल इस बाइक के अंदर यूज किया जाएगा, जहां पर आप गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड का टॉप सेंसर, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, यानी कि आप अपने मोबाइल फोन को इस बाइक के साथ कनेक्ट करके आपके पास अगर कोई कॉल या फिर SMS आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप डिस्प्ले पर चेक कर सकते हो। इवन इसी बाइक के अंदर और भी बेसिक फीचर्स होगा, जैसे कि स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर जैसे ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है यामा का NMAX स्कूटर, जो कि यामा क्लेम कर रहा है आप इस स्कूटर को बाइक की तरह यूज कर सकते हो और इसी स्कूटर को भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे काफी जल्दी लॉन्च किया जाएगा यामा की ओर से। एंड स्कूटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो ये आता है 155 सीसी के साथ, बट यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है और ये इंजन लिक्विड कूल के ऊपर बेस्ड होगा, जहाँ पर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व वाला इंजन ही होगा जो SOHC इंजन है। और मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 15 bhp तक पावर मिल जाता है, वहीं पर 14.4 nm का टॉर्क और इतना पावर के साथ आप इस बाइक के अंदर 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी इजीली अचीव कर सकते हो। और यामाहा ये क्लेम कर रहा है इस बाइक के अंदर से आपको 55 से लेके 60 km तक माइलेज मिल सकता है और इसी बाइक के अंदर आपको 6.6 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है। स्कूटी के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ्रंट पर आपको सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिलेगा और इस स्कूटर पर आपको दोस्तों ड्यूअल डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट पर जो हेडलैम्प है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, रियर पर आपको LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। बात किया जाए मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल काफी फ्यूचरिस्टिक एंड अट्रैक्टिव होगा, जो कि डिजिटल मीटर कंसोल रहेगा, जहां पर काफी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर से स्कूटी के अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और आप ये कमेंट करके जरूर बताना क्या आप इस स्कूटर के बारे में एक्साइटेड हो पर नहीं, क्योंकि यामाहा ये क्लेम कर रहा है आप स्कूटी को लेके बाइक की तरह यूज कर सकते। नंबर 3 पर आता है आप सभी का प्यारा बाइक भाई MT125। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे इस बाइक के लोग बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा है और लोग एक्चुअल में मुझे कमेंट करते हैं कि भाई कब तक इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा, बट भाई मैं आपको बताना चाहूंगा यामाहा काफी जल्दी इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करेगा, क्योंकि आज की डेट की अगर बात किया जाए ना तो यामाहा के पास देखो 125 सेगमेंट के अंदर कोई भी बाइक नहीं है जो भाई दूसरे बाइक के साथ कम्पीट कर पाए, बट इसी कमियां को दूर करने के लिए यामाहा MT125 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करेगा बहुत ही जल्दी और इसका जो डायरेक्ट कंपटीटर होगा वो है भाई KTM ड्यूक 125। अब बात करते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो आपको एक 125 सेगमेंट का बाइक मिलेगा यामाहा की ओर से, जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 1,60,000 तक जाने वाला है। अब आपको लग सकता है भाई प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि 125 सेगमेंट का बाइक है, बट इसी प्राइस के साथ आपको काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन भी देखने को
मिल सकता है। जैसे कि इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन होगा, जहां पर 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ लिक्विड कूलिंग का भी इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। और पावर की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक के अंदर लगभग आपको 14 bhp पावर के साथ 12 nm का टॉर्क भी मिल सकता है। और 125 सिगमेंट के बाइक होने के बावजूद भी आप इस बाइक को लेकर 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो, जैसे MT15 पर होता है, सेम यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। और यामा का इंजन काफी ज्यादा रिफाइन होता है, इसीलिए इस बाइक के अंदर से आपको 55 से लेके 60 km तक माइलेज मिलेगा। सो भाई यहाँ पर अगर MT125 लॉन्च होता है ना, तो भाई इसका कंपटीटर कोई नहीं रहेगा। बाइक की जो डिमांड है आज की डेट पे, लोग इतना पसंद करते हैं ना इस बाइक को, कि जब भी इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा तो सेल काफी तगड़ा होने वाला है। दोस्तों आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।